हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आप एक लड़ाई में हैं। जिस तरह दूसरे तिमिथियुस की पुस्तक अध्याय 2 की 5 आयत में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो अखाड़े में विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लड़ते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं, रोजे रखते ही नहीं, पर परमेश्वर कहते हैं जो लड़ते हैं पर वो भी अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो वह जीत नहीं सकते। और जब अगर आप लड़ाई में हो पर शैतान नहीं चाहता कि आप जीते, इसलिए वो आपको दूसरे कामों में रुझाए रखता है कि आप प्रार्थना ना कर सके। शैतान से वो एक ही व्यक्ति जीत सकता है जो हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं छोड़ता, जो परमेश्वर के वचनों पर अड़ा और खड़ा रहता है, चाहे उसको कितनी भी मुश्किलों में होकर गुजरना पड़े। दाऊद को राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, इसलिए साउल हमेशा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि साउल दाऊद के हाथ में पड़ गया, जहाँ पर वो साउल को मार सकता था। और दाऊद के साथी ने उसे कहा कि परमेश्वर ने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर दिया है, अब तू मुझे आज्ञा दे कि तलवार के एक ही बार से उसे मार डालूं। साउल से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था और दाऊद पर आ गया था, और राजा की कुर्सी दाऊद के पास आ चुकी थी। सभी तरफ से अगर आप देखें तो दाऊद को पूरा अधिकार था साउल को मार देने का, पर दाऊद का आत्मिक मन जानता था कि यह गलत है। उसने अपने साथियों से कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक के ऊपर तलवार नहीं चला सकता। उसने कहा कि यहोवा उसे मारे तो मारे, पर मैं उसे नहीं मारूंगा। एक आत्मिक राजा एक दुष्ट राजे पर तलवार नहीं चला रहा था, लेकिन आज लोग आत्मिक लोगों पर तलवार चलाकर अपने आप को परमेश्वर के दास कह रहे हैं। लिखा है, दाऊद अपने जीवन भर एक भी लड़ाई नहीं हारा और अपनी पूरी उम्र भोग कर मरा, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई को विधि के अनुसार लड़ा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर चलें, रोज बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ें और जीतें। आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगा, वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।